Hello everyone. So today we are starting with 9th science. This is the first lecture and we are going to start chapter number 1, matter in our surroundings. But before that, इससे पहले कि हम chapter number 1 start करें, matter की बात करें और सारी बातें करें, उससे पहले एक थोड़ी सी basic understanding की I think जरूरत है, क्योंकि अभी हम लोग जो science पढ़ रहे हैं, तो हमें at least ये पता होना चाहिए कि what do we mean by science, actually हम science में क्या पढ़ने वाले हैं, और science के जो different parts हम लोगों ने करें, उनमें हर एक में उसका मतलब क्या और उसमें क्या क्या स्टडीज होंगी. तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस की. साइंस होता क्या, व्हाट इज साइंस. तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा परफेक्ट डेफिनेशन के पास नहीं जाने वाला, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ. तो इफ़ वी सिंपली ट्राई टू डिफाइन साइंस, व्हाट डू वी मीन बाय साइंस, एक्चुअली हम साइंस में क्या करना चाह रहे हैं. तो साइंस में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, जो नेचुरल वर्ल्ड है या जो आसपास की चीज़ें हैं, फिजिकल वर्ल्ड, उसको हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे. अब फिजिकल वर्ल्ड को स्टडी, उसमें क्या स्टडी करने वाले हैं हम लोग. तो फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग या स्टडी किस तरीके से करने वाले हैं, दैट इज अ क्वेश्चन. तो जो स्टडी हमारी बेस है, दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. यानी हम लोग या तो कुछ ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करने के बाद उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट के जरिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगी या कुछ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. तो दैट इज द बेसिक क्रक्स ऑफ साइंस. साइंस में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं नेचुरल वर्ल्ड को और फिर एक्सपेरिमेंट्स के जरिए उसको समझने की कोशिश करते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. तो सिंपली अगर डिफाइन करना चाहें, नॉट अ परफेक्ट डेफिनेशन, बट इट विल गिव अस द बेसिक आइडिया. साइंस, सो इट इज स्टडी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स. तो सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन अगेन स्टडी बहुत ज़्यादा डेप्थ में करी जाती है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बट बेसिकली हम लोगों को समझ में आ चुका है कि भाई साइंस में हम लोग करने क्या वाले हैं. लेकिन नेचुरल वर्ल्ड कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं आसपास हमारे. अगर इतनी सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ों को एक साथ स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए. इसलिए हम लोगों ने क्या करा, साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो साइंस की स्टडी को या साइंस को बेसिकली हम 3 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर पढ़ने वाले हैं. एंड दीज 3 पार्ट्स आर केमिस्ट्री, फिजिक्स and biology. We have our chemistry, we have our physics, and we have biology. तो बुक तो हमारी एक ही रहेगी 9th क्लास में, लेकिन इस बुक के अंदर जो चैप्टर्स हैं उनको ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. मैं बताऊंगा कौन सा चैप्टर केमिस्ट्री को बिलोंग करेगा, कौन कौन सा चैप्टर फिजिक्स में, कौन कौन से चैप्टर बायोलॉजी में. लेकिन ये केमिस्ट्री में कौन सा, नेचुरल वर्ल्ड की कौन सी चीज़ें हैं जो हम केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, फिजिक्स में कौन सी चीज़ें स्टडी करने वाले हैं और बायोलॉजी में कौन सी चीज़ें स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में क्या स्टडी करने वाले हैं, उसने बोला आपको कि हम केमिस्ट्री में जब बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल. यानी आस पास नेचुरल वर्ल्ड में जो मटीरियल हैं उसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, या जब एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में चेंज होगा उस समय प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो रही हैं उसको स्टडी किया जाएगा. तो केमिस्ट्री के अंदर चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज मोस्टली चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है, या सिंपली प्रॉपर्टीज को भी स्टडी किया जाता है. तो केमिस्ट्री में ये बहुत ही ज्यादा बेसिक डेफिनेशन है, इट इज नॉट एग्जैक्ट डेफिनेशन, लेकिन हाँ बेसिक आइडिया हम लोगों को दे रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर प्रॉपर्टीज चेंज होता है या उसकी प्रॉपर्टीज को अगर हम स्टडी करना चाह रहे हैं, तो दैट विल बी स्टडीड अंडर दिस पार्ट ऑफ साइंस केमिस्ट्री. एक छोटा सा एग्जांपल भी लिया जा सकता है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि घर में आप मिल्क से दही बनाते हो या कर्ड बनाते हो, तो उस केस में कर्ड है या पनीर बनाते हैं सब कुछ, तो उस केस में पता है कि भाई हाँ मटेरियल में कुछ चेंज आया, तो ये जो प्रॉपर्टीज में उसके चेंज आया दैट विल बी ऑल्सो बी स्टडीड इन दिस पार्ट केमिस्ट्री. तो दैट इज जस्ट वन कॉमन एग्जाम्पल, और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स है. बल्कि अगर देखा जाए आप अपने किचन में अगर जाओगे तो केमिस्ट्री से घिरे पड़े हैं आप लोग, वहाँ पे जितनी भी चीज़ें मोस्टली आप स्टडी करने वाले हैं, आपकी मदर को आपसे ज़्यादा केमिस्ट्री आती है. बट
हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में बात करेंगे, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। तो अब केमिस्ट्री के बाद आता है फिजिक्स। अब फिजिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, फिजिक्स में बेसिकली स्टडी किया जाता है आपका नेचुरल अकरेंसेस और नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल अकरेंसेस और फिनोमिना। अब इसका मतलब क्या है, मतलब जो जो नेचुरली चीज़ें हो रही हैं, नेचुरल फिनोमिनाज हो रहे हैं, उनको स्टडी किया जाएगा। कौन से नेचुरल फिनोमिनाज हो रहे हैं, नेचुरल फिनोमिनाज लाइक लाइटनिंग, नेचुरल फिनोमिनाज लाइक रेनबो फॉर्मेशन। तो आपको रेनबो देखा होगा आपने कभी, तो रेनबो हम में से कोई जाके नहीं बना रहा, बल्कि रेनबो आपका नेचुरली फॉर्म हो रहा है, या लाइटनिंग जो है वो अपने आप गिर रही है आपकी। तो उस केस में ये सभी नेचुरल फिनोमिनाज जो होते हैं, दे आर स्टडीड इन फिजिक्स। नाउ वी नो अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट केमिस्ट्री, अ लिटिल बिट अबाउट फिजिक्स, एंड वट अबाउट बायोलॉजी। आई थिंक बायोलॉजी आप लोग गेस कर सकते हैं कि बायोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं। बायोलॉजी में हम लोग स्टडी करेंगे बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स सभी, चाहे वो आपके इंसेक्ट्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, ऑल विल बी स्टडीड इन दिस बायोलॉजी पार्ट। और हम लोगों को क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक के अंदर टोटल 15 चैप्टर्स हैं, उसमें चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4, दीज फोर चैप्टर्स दे बिलोंग टू केमिस्ट्री पार्ट। देन देर इज फिजिक्स, फिजिक्स के लिए आपके पास चैप्टर नंबर 8 से लेके चैप्टर नंबर 12 तक है, 5 चैप्टर हो गए। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स हैं दे बिलोंग टू बायोलॉजी। तो बाकी चैप्टर्स कौन से बचे, एक चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7, तो चैप्टर नंबर 5 टू चैप्टर नंबर 7, एंड चैप्टर नंबर 13 टू चैप्टर नंबर 15। इसमें चैप्टर नंबर 14 भी है जो बायोलॉजी में हमने इंक्लूड किया है यहाँ पे, हालांकि उसको फिजिक्स में भी डाला जा सकता था, बट वी आर स्टडिंग इट अंडर बायोलॉजी। तो ये हम लोगों ने बेसिक देखा कि साइंस जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें हम स्टडी करने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं हर एक पार्ट के। और अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, एंड चैप्टर नंबर 1 जो है इट बिलोंग्स टू केमिस्ट्री पार्ट। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चैप्टर की अगर नाम की बात करी जाए, दो टर्म्स आ रहे हैं यहाँ पे, एक तो मैटर और दूसरा सराउंडिंग्स। नाउ सराउंडिंग्स हम लोग जानते हैं और इसका आइडिया थोड़ा सा हमें है। सराउंडिंग्स का मतलब है आसपास की सभी चीज़ें, मेरे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, एवरीथिंग, सभी चीज़ों को हम सराउंडिंग्स बोलेंगे। वट अबाउट मैटर, मैटर किसको बोला जाता है? तो मैं पहले एक सिंपल तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करूंगा और उसके बाद वो डेफिनेशन दी जाएगी आपको जो आपके स्कूल में आपकी या आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। तो फर्स्ट, सबसे पहली चीज जो इस चैप्टर को समझने के लिए हमें जाननी पड़ेगी, दैट इज मैटर। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1, मैटर। तो ये मैटर क्या होता है? तो मैटर अगर मैं सिंपल तरीके से डिफाइन करूं, तो जितना भी आप लोगों के आसपास मटेरियल है, जिसको भी आप आसपास की चीजों को मटेरियल बोलते हो, ऐसी हर एक चीज को मैटर बोला जाता है। एक्चुअली क्या हुआ, एक साइंटिफिक टर्म की रिक्वायरमेंट थी, तो हम लोगों ने सिर्फ एक साइंटिफिक टर्म दिया। तो आसपास जितना भी हमारे मैटर है, आसपास हमारे जितना भी मटेरियल है, उस मटेरियल के लिए, उस मटेरियल को ही मैटर कहा जाएगा, बट जस्ट मैटर इज जस्ट अ साइंटिफिक टर्म। तो अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूं यहां पे, एवरीथिंग इन यूनिवर्स दैट इज मटीरियल कैन बी कॉल्ड मैटर। तो इस यूनिवर्स में जिस भी चीज को मटीरियल बोलते हैं, उसी को आप मैटर बोल सकते हो। मैटर इज जस्ट अ साइंटिफिक टर्म। आप मटेरियल टर्म भी यूज कर सकते थे, लेकिन ज्यादा बेटर होगा एक साइंटिफिक टर्म यूज करना, विच इज मैटर हेयर। बट दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ मैटर, ये तो हम लोगों को समझने के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया। अगर एक एक्यूरेट, ज्यादा प्रिसाइज डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट है, तो एक ज्यादा प्रिसाइज डेफिनेशन भी दी जा सकती है। तो अगर मैं कहता हूं डिफाइन मैटर
तो डिफाइन इस तरीके से किया जाता है, एनीथिंग और एवरीथिंग इन यूनिवर्स विच हैज मास और ऑक्यूपाइज स्पेस दैट इज हैव वॉल्यूम। इज कॉल्ड मैटर। यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ हैं जिनके पास हम बोलेंगे मास भी है और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी है या स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को मैटर बोला जाएगा। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, मास एंड वॉल्यूम। आप ऑक्यूपाई स्पेस कह सकते हैं या वॉल्यूम कह सकते हैं, एक ही बात है। स्पेस ऑक्यूपाई करता है इसका मतलब उसके पास वॉल्यूम है, या अगर उसके पास वॉल्यूम है तो हम कहेंगे वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो मैटर के लिए, किसी भी चीज़ को मैटर बोलने के लिए दो बातें बोलनी बहुत ज़रूरी हैं उसके बारे में। वो ये कि वो मैटर तब है अगर उसके पास कुछ मास भी है, और वो मैटर तब है अगर उसका कुछ वॉल्यूम भी है। तो अभी मास और वॉल्यूम, आई थिंक हमें थोड़ा सा इन चीज़ों का अंदाज़ा है, और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आगे चलेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसी डेफिनेशन के ज़रिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर हम कर सकते हैं। लेट अस ट्राई टू आंसर दैट। तो क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछा जाएगा, पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा हम लोगों से, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर समथिंग to be called matter। अगर किसी भी चीज़ को आप matter बोल रहे हैं तो उसके लिए conditions क्या हैं? तो जो भी हमने definition पढ़ा उसके ज़रिए इसका आंसर किया जा सकता है। हमने definition ये पढ़ा था, anything in the universe which has mass and occupies volume or occupies space, it is matter। तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को matter बोलने के लिए दो conditions ज़रूरी हैं, कि उस चीज़ के पास mass भी होना चाहिए और उसको स्पेस भी ऑक्यूपाई करना चाहिए, या उसके पास वॉल्यूम भी होना चाहिए। तो इस आंसर में यही बात हम लिखने वाले हैं, दोनों कंडीशंस लिखने वाले हैं हम लोग। तो देर आर टू कंडीशंस फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड मैटर, एंड दीज टू कंडीशंस आर, फर्स्ट कंडीशन, इट शुड द ऑब्जेक्ट शुड हैव द ऑब्जेक्ट शुड हैव मास एंड शुड ऑक्यूपाई स्पेस It should occupy space, or we can say it should have volume। तो ये एक ही बात है दोनों, occupy space and should have volume, एक ही बात है। दोनों में से कोई भी एक लिखा जा सकता है, for better answer दोनों भी लिखे जा सकते हैं। तो ये दो conditions हैं, object के पास mass भी होना चाहिए, space भी occupy करना चाहिए, या volume भी होना चाहिए। mass और volume अगर दोनों चीज़ें हैं तब उसको matter बोला जाएगा। तो अभी हमने सिर्फ ये देखा कि किस मैटर को, अगर किसी भी चीज़ को आप मैटर बोल रहे हैं तो मैटर क्यों बोल रहे हैं। और दो टर्म्स हम लोगों ने यहाँ पे देखे, एक तो देखा मास और दूसरा देखा वॉल्यूम। लेकिन बेटर इंसाइट के लिए, और ज़्यादा अच्छे से इसको जानने के लिए, जितनी भी आसपास की चीज़ें उनको मैटर तो बोल रहे हैं, लेकिन और अच्छे से जानने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। और एग्जाम्पल देने से पहले एक छोटा सा नोट, नोट का मतलब है ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आगे आपकी हेल्प करेंगे। जैसे पहली चीज़, मास को मोटे मोटे तौर पर हम लोग जानते हैं, हालांकि इसके डिटेल में स्टडी आगे करी जाएगी फिजिक्स के अंदर। यहाँ पे मास के बारे में सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो आप याद रख सकते हैं, इट इज़ एसआई यूनिट। इसकी यूनिट जो है, एसआई यूनिट ऑफ मास इज़ केजी। तो जब भी हम लोग मास का इस्तेमाल करते हैं, जनरली हम लोग केजी यूज़ करते हैं। हालांकि देर आर मोर प्रैक्टिकल यूनिट्स जो आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, किलोग्राम के अलावा आप ग्राम भी इस्तेमाल करते हैं, ग्राम के अलावा क्विंटल भी इस्तेमाल होता है, टन भी इस्तेमाल होता है मास के लिए। लेकिन जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो कि हर जगह पर इस्तेमाल होगी यूनिट, दैट इज मास, दैट इज केजी। सेकंड, इसी तरीके से अगर वॉल्यूम के लिए यूनिट बताया जाए, तो एसआई यूनिट जो वॉल्यूम के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं,
दैट इज मीटर क्यूब। तो हम लोगों ने वॉल्यूम जब डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए सरफेस के लिए निकाला होगा तो उस केस में हम लोग यूनिट्स हमेशा देखेंगे आपके मीटर क्यूब इस्तेमाल करते हैं। कई बार मीटर क्यूब की जगह एक और यूनिट भी इस्तेमाल कर ली जाती है, देर इज़ अनदर यूनिट, बट दिस इज़ नॉट एस आई यूनिट, इट इज़ मिली लीटर और लीटर। मिली लीटर और लीटर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मीटर क्यूब और लीटर ये भी इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली 1 मीटर क्यूब जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल है। दिस विल बी यूजफुल टू अस इन लेटर स्टडीज, आगे हमारी हेल्प करेगा ये, बट अभी फिलहाल इस चैप्टर में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होने वाला। सिर्फ आप यूनिट्स याद रख सकते हैं, कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी हमें। मास के लिए केजी है यूनिट, किलोग्राम्स, एंड वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। अब सर आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने कहा, थोड़ी बेटर इंसाइट के लिए, मैटर को और अच्छे समझने के लिए हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देने वाले हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर, तो अभी मैंने जब बोला आपको कि हम मैटर किस किस चीज़ को बोलेंगे जिसका मास और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो एक सेकेंड के लिए अगर हम वीडियो पॉज करें और पॉज करके ज़रा देखें कि आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि जिनके पास मास भी है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, तो उस केस में आप बहुत सारी चीज़ों को सोच पाएंगे। तो पॉज करके ज़रा सोचें एक सेकेंड के लिए। तो अगर हमने ज़रा सोचा अब इसके बारे में कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं जिनको मैटर कहा जा सकता है हमारे आसपास, तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो आपको आसपास दिख रही होंगी उनके पास मास भी है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक चेयर की बात करें तो चेयर का कुछ मास होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। तो अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ, एग्जांपल्स में चेयर का एग्जाम्पल दिया जा सकता है, या सोफा का एग्जाम्पल दिया जा सकता है, या फिर एग्जाम्पल दिया जा सकता है आपका यूटेंसिल्स का, यूटेंसिल्स का मास भी होता है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, या एग्जाम्पल दिया जा सकता है आपका लिविंग ऑर्गन्स का भी। अगर आप देखोगे तो सारे एनिमल्स जो होते हैं, सारे प्लांट्स जो होते हैं, दे ऑल्सो हैव सम मास एंड दे ऑल्सो ऑक्यूपाई सम स्पेस। बल्कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनका भी कुछ मास होता है, वो भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उनको भी आप मैटर ही बोलेंगे। तो आसपास जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हो उनको आप मैटर बोलोगे। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा जिसको आप मैटर बोलेंगे, सब पहले इनकी बात कर लेते हैं उसके बाद आगे चलते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, एग्जांपल्स ऑफ मैटर, तो एग्जांपल्स में सबसे पहले शुरुआत अगर हम करें, आप एग्जांपल ले सकते हैं चेयर, यूटेंसिल्स। अगर फूड प्रोडक्ट्स की बात करें, दे आर ऑल्सो मैटर, फूड प्रोडक्ट्स लाइक आमंड्स। इसके अलावा लिविंग ऑर्गन्स जो हैं, दे आर ऑल्सो मैटर, क्योंकि वो भी उनके पास भी मास है और वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। लिविंग ऑर्गन्स में सभी आ जाएंगे हमारे, इसमें हमारे एनिमल्स भी हैं, इसमें प्लांट्स भी हैं, एंड ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनके पास भी कुछ मास होगा, वो भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स हैं मैटर के। लेकिन आर दीज दी ओनली एग्जाम्पल्स? नो, वी हैव मोर एग्जाम्पल्स लाइक एयर, वाटर। जो एयर है और जो वाटर है, दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। तो वाटर तो हम लोगों को समझ में आता है कि यहाँ से स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मास भी है, तो इट इज मैटर। लेकिन अगर एयर की बात करें, क्या एयर को भी मैटर बोला जा सकता है? तो क्या वाकई एयर क्या स्पेस ऑक्यूपाई करती है, कि एयर का भी मास है? तो ऐसा मुझे लगता है कि स्पेस तो ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि हमारे आसपास का सारा स्पेस जो है, जो कि हमें खाली नजर आ रहा है, वो खाली नहीं है, वहां पे एक्चुअल में एयर प्रेजेंट है। तो एयर ऑक्यूपाई सम स्पेस, बट डज एयर हैव मास? क्या एयर के पास मास भी है? और एयर से मेरा मतलब क्या है? एयर का मेरा मतलब है कि जो हम गैसेस देखते हैं, वो सारी गैसेस को मिला के हम लोग एयर बोलते हैं, जो हमारे आसपास गैसेस प्रेजेंट हैं। जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है। तो हमारे आसपास इन तीनों का, या इन और भी गैसेस हैं, इन सभी गैसेस के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं एयर। तो क्या इनके पास मास होता है कि नहीं होता? तो लेट मी गिव यू द आंसर। एक्चुअली दे हैव मास, उनके पास मास होता है। इसका आप चाहो तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते थे किस तरीके से। आपने देखा होगा ऑक्सीजन सिलेंडर्स, आपने वर्ड सुना होगा, ऑक्सीजन को सिलेंडर में डाल के रखा जाता है, और उस सिलेंडर को अगर आप देखोगे तो उसमें बताया जाता है कि भाई, या आपके घर पे जो LPG गैस आती है, सिलेंडर आता है,
उसमें भी अंदर आपकी गैस प्रेजेंट होती है, और उस गैस या आपका जो सीएनजी का सिलेंडर होता है उसके अंदर भी गैस प्रेजेंट होती है, और उसकी कैपेसिटी दी जाती है भाई 14 किलो या 15 किलो या 16 किलो। तो उसमें गैस का मास आप लोगों को दिया जाता है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो जो हम गैसेस की बात कर रहे हैं या जो हम एयर की बात कर रहे हैं उसके पास भी मास होता है। लेकिन फिर भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो इस आंसर से और आप बाकी ये चीज़ चेक करना चाह रहे हो कि हाँ सर कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ दैट एयर हैज़ मास, एक तरीका है मेरे पास। वो तरीका ये कि हम एक बलून ले सकते हैं, उस बलून को अभी हमने फुलाया नहीं है, उसमें कोई हवा नहीं डाली, और उसका पहले हम बिना हवा डाले वेट करेंगे, और उसके बाद हमने क्या करा उसमें एयर पंप किया हम लोगों ने, और उसमें जब एयर डाल दिया उसको फुला दिया, ठीक है, काफ़ी सारी एयर उसमें पंप कर दी हम लोगों ने। उसके बाद अगर हम दोबारा से उसका मास करेंगे तो अभी आपने उसमें और एयर पंप करी है, तो इस केस में आप नोटिस करोगे कि एयर पंप करने के बाद बलून फुलाने के बाद उसका मास बढ़ गया है, उसका मास इंक्रीज हो गया। तो ये इंक्रीज ऑफ मास कहाँ से आया, जो आपने एयर उसमें डाली है ये ज़रूर उस एयर का मास होगा जिसकी वजह से मास यहाँ पे बढ़ा है। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट एयर हैज़ मास, इट ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस, दैट्स वाई इट इज़ मैटर, इसलिए इसको मैटर कहा जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मैटर के, लेकिन अगर आपने ध्यान से एग्जाम्पल सुने हो तो आपके दिमाग में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ रहे होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी। बिल्कुल सही है, आप इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सूटकेस, फ्लावर्स एंड एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें आपको दिमाग में आ रही हैं। लेकिन जब इतनी सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं तो एक क्वेश्चन भी आता है, वो क्वेश्चन ये कि सर हमें तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ही मैटर है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें आसपास हैं सभी मैटर हैं, तो क्या हर एक चीज़ को मैटर बोला जाएगा या कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि मैटर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मैटर नहीं है, उनको हम नॉन मैटर बोलेंगे, और ज़रा देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि मैटर नहीं है। तो अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मैटर, कौन सी चीज़ें हैं जो कि मैटर नहीं है, तो फिलहाल शायद हमारे दिमाग में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि एग्जाम्पल्स नहीं है, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं कौन कौन सी चीज़ें मैटर नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ वो बोलता है आपका फीलिंग्स एंड सेंसेस। फीलिंग्स और सेंसेस का मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ हेट, फीलिंग ऑफ एंगर, या सेंस ऑफ हीट, या सेंस ऑफ कोल्ड, तो ये सभी के सभी ये फीलिंग्स हैं, लेकिन अगर कोई मास नहीं होता, ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते, दैट्स वाई दे आर नॉट मैटर, इसलिए मैटर नहीं है। तो जब हम लोग नॉन मैटर की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं दे आर ऑल्सो नॉन मैटर, जैसे उसमें पहली चीज़ हमने आपको बताई फीलिंग्स और सेंसेस, दे आर नॉट मैटर, ये मैटर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सेंस ऑफ स्मेल, दैट इज नॉट मैटर, ये भी मैटर नहीं है। क्या सिर्फ यही चीज़ें जो मैटर नहीं है, कुछ और भी चीज़ें, जैसे थॉट, जो आपके थॉट्स हैं, एंड मेमोरी। तो जितना भी आप कह लो कि यार इतना कुछ याद कर करके, कई बार आप मेमोरी के लिए बोलते हैं, कई बार इतनी चीज़ें याद कर करके सर मेरा दिमाग भर गया और मेरा सर दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि आपका एक्चुअल में मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है या मेमोरी का कुछ मास है। तो मेमोरी इज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं है। थॉट्स जो हैं आपके दे आर नॉट मैटर, वो भी मैटर नहीं है। देन देर इज एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी मैटर नहीं है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का मतलब जैसे हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या सभी फॉर्म्स जो आप सोच सकते हैं आसपास। हीट एनर्जी को कई बार थर्मल एनर्जी बोला जाता है, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट, साउंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को भी हम यहाँ पे नॉन मैटर में इंक्लूड करेंगे या इनको मैटर अज्यूम नहीं करेंगे। हालांकि एक बच्चा मुझसे आर्ग्यू कर सकता है कि सर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को मैटर लेना चाहिए, और जी हाँ, इस पे आर्ग्यूमेंट आज से नहीं, कई सालों से इस पे आर्ग्यूमेंट हुआ है कि एनर्जी को मैटर बोलना चाहिए कि मैटर नहीं बोलना चाहिए। बट फॉर द सेक ऑफ क्लास 9 स्टडीज़ हम ये अज्यूम करके चलेंगे फिलहाल कि आपका ये मैटर नहीं है। इसके अलावा
अब जो मैं एक और टर्म देने वाला हूँ, हालांकि ये टर्म हो सकता है आपके स्कूल्स में इंट्रोड्यूस ना करी जाए, लेकिन जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग या जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग, इसको सिर्फ हम याद करेंगे, इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे हम। इसको भी नॉन मैटर बोलेंगे, रेडिएशन। तो फिलहाल शायद हमें अच्छे से अंदाज़ा नहीं है कि सर रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन किस चीज़ को बोला जाता है, और हमें अभी इसके डेप्थ में जाना भी नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इसको दिमाग में स्टोर करके रख सकते हैं, याद करके रख सकते हैं कि रेडिएशन जो है दैट इज़ ऑल्सो नॉन मैटर। इस रेडिएशन में एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक्सरे या गामा रेज, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मैटर। तो कोशिश करेंगे इनको हम याद करने की, और इसके बेसिस पे 1 मार्क के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। विल सी दिस कि कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे मैटर के, हमने एग्जाम्पल्स देखे नॉन मैटर के, अब और कौन सी चीज़ों की बात हम लोगों को करनी है ज़रा वो देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन हम लोगों से इसके बेसिस पे पूछा जा सकता है, जो कि कई बार हमें कंफ्यूज करता है। द क्वेश्चन इज, सेंस ऑफ स्मेल एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम। विच ऑफ दीज इज मैटर। तो सेंस ऑफ स्मेल या सिंपली स्मेल एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम, इन दोनों में से किसको मैटर बोला जाएगा और किसको मैटर नहीं बोला जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से किसको मैटर बोला जाएगा। तो अभी हमने पीछे देखा था सेंस ऑफ स्मेल इज नॉन मैटर, तो इसका मतलब है स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर होगा। बट कई बार मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन आता है कि सर दोनों में क्या डिफरेंस है, मुझे दोनों एक ही जैसे लगते हैं। तो लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन कि विच ऑफ दीज आर मैटर एंड वाई। तो आंसर तो यही है इसका कि स्मेल ऑफ परफ्यूम इज मैटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम इज मैटर। लेकिन ऐसा क्यों, क्योंकि बात तो स्मेल की हो रही है। तो उसने बोला ऐसा नहीं है, दोनों जगह स्मेल की बात नहीं हो रही, पहले केस में हम स्मेल की बात कर रहे हैं। तो बात सच है कि यहाँ पे स्मेल का कोई मास नहीं होता, या स्मेल का कुछ जो आपकी सेंस है स्मेल की, वो आपके ब्रेन में, आपका ब्रेन आपको बताता है कि भाई ये स्मेल अच्छी है, ये स्मेल खराब है। तो उसका कोई वो एक थॉट हो गया, दैट इज सिंपली अ थॉट। तो इसका कोई मास नहीं है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, दैट्स वाई इट इज नॉन मैटर। लेकिन स्मेल ऑफ परफ्यूम जो है, स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम की स्मेल आई किस तरीके से, तो परफ्यूम की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपको स्मेल आती किस तरीके से, जो परफ्यूम जब आप लोग स्प्रे करते हैं, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल परफ्यूम के होते हैं, जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं परफ्यूम की, वो आपकी ड्रॉपलेट्स नोज में जाती हैं। तो जब हम स्मेल ऑफ परफ्यूम की बात कर रहे हैं, तो हम उन टाइनी ड्रॉपलेट्स की बात कर रहे हैं परफ्यूम की। और अगर परफ्यूम की टाइनी ड्रॉपलेट्स की बात करें, तो वो छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, बहुत छोटी हैं, लेकिन ऑफकोर्स कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, उनका कुछ मास भी है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मैटर, इसलिए उनको मैटर कहा जाता है। तो सेंस ऑफ स्मेल इज मैटर, जी हाँ, बिकॉज नो सॉरी नॉट सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल ऑफ परफ्यूम इज मैटर। वाई? बिकॉज द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ परफ्यूम हैव मास एंड दे ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस। तो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ कि सेंस ऑफ स्मेल मतलब हम थॉट की बात कर रहे हैं, जो हमें थॉट मिल रहा है, हमारा दिमाग क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। और स्मेल ऑफ परफ्यूम में हम बात कर रहे हैं कि स्मेल आई किस तरीके से, तो परफ्यूम की ड्रॉपलेट से आई, एंड परफ्यूम की ड्रॉपलेट से होंगी, दे आर मैटर बिकॉज दे हैव मास एंड दे ऑक्यूपाइज स्पेस। आई होप यहां तक हम लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ी सी यहां पर और आगे बढ़ने वाले हम लोग, आगे जब हम चलेंगे तो यहां पर हम बात करेंगे मैटर की और डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को चाहिए। जब और डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमें, तो उस केस में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो ये टर्म शायद हमने सुनी होगी क्लासिफिकेशन, लेकिन अगर नहीं सुना तो घबराने वाली बात नहीं है। क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुप्स बनाना। अब इतनी सारी चीजों को आपने मैटर बोल दिया, तो इतनी सारी चीजों को हम लोगों ने क्या करा,
एक सिंपल, हमने एक साथ स्टडी करने के बजाय इनके कुछ ग्रुप्स फॉर्म कर दिए. नाउ वी टॉक अबाउट दीज ग्रुप्स, इन ग्रुप्स की बात करेंगे. तो एक छोटा सा एग्जांपल भी ले सकते हैं इस टर्म को समझने के लिए, क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, आपको मार्बल्स दे दिए. मार्बल समझते हैं आप लोग, कंचे. तो अभी मैंने आपको कंचे दिए, लेकिन वो आपको मैंने बहुत सारे दिए और बहुत सारे अलग अलग कलर्स के हैं. कुछ रेड कलर के हैं, कुछ व्हाइट कलर के हैं, कुछ ग्रीन कलर के हैं. तो आप लोगों ने क्या करा, आपने रेड वालों को एक एक करके अलग कर दिया, व्हाइट वालों को एक एक करके अलग कर दिया, और जो ग्रीन वाले थे उनको एक एक करके अलग कर दिया. तो आपने क्या करा, आपने तीन ग्रुप्स बना दिए, एक रेड मार्बल्स का ग्रुप, एक व्हाइट मार्बल्स का ग्रुप और एक ग्रीन मार्बल्स का ग्रुप. अब जो ये जो तीनों ग्रुप्स हमारे फॉर्म हुए हैं, यहाँ पे आपने एक्चुअली जो ग्रुप्स फॉर्म करें इसी को बोला जाता है क्लासिफिकेशन. तो यहाँ मार्बल्स के लिए आपने करा, और किस बेसिस पे करा, कलर के बेसिस पे, अलग अलग कलर के बेसिस पे. इसी तरीके से यहाँ जो हम मैटर की बात कर रहे हैं, मैटर के भी हम ग्रुप्स बनाने वाले हैं. तो आई थिंक इस एग्जाम्पल के बाद एक कॉमन क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता होगा. वो क्वेश्चन ये कि सर किस बेसिस पे, जैसे हमने कलर के बेसिस पे अगर मार्बल्स को क्लासिफाई करा या मार्बल के ग्रुप बनाए, तो यहाँ किस बेसिस पे हम लोग मैटर के ग्रुप्स बनाए, मैटर को क्लासिफाई करेंगे, उसके ग्रुप्स फॉर्म करेंगे. तो जरा देखते हैं. तो हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो करते हैं वो करते हैं ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे. फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स जैसे आप लोग लेते हो हार्डनेस या सॉफ्टनेस, ये सब चीज़ें जो हैं दे आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेसिकली अपेयरेंस, जो आप सीधा सीधा ऑब्जेक्ट में इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. दीज प्रॉपर्टीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके बेसिस पे मैटर को क्लासीफाई किया जाएगा. तो मैटर को जब इनके बेसिस पे क्लासीफाई करा गया फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, तो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया. हालांकि अभी एनसीईआरटी में इन्होंने पांच पार्ट्स कर दिए, लेकिन बेसिकली मोस्टली हम लोग इन थ्री पार्ट्स पे फोकस करते हैं पूरे चैप्टर में, लेकिन हम पांचों का नाम लिखेंगे. फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड, थर्ड इज गैस. तो मोस्टली हम इन तीनों को स्टडी करेंगे, लेकिन इसके अलावा दो पार्ट्स और हैं. फर्स्ट इज प्लाज्मा, इसकी ज़्यादा डेप्थ में बात नहीं होगी, बहुत सिंपल सिर्फ डेफिनेशन दी गई है इसकी और कुछ भी नहीं. एंड द फिफ्थ पार्ट दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. इसको शॉर्ट में BEC भी बोला जाता है. तो मैटर को हमने जब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे क्लासिफाई करा, तो पांच पार्ट्स हम लोगों ने डिवाइड करा, सॉलिड लिक्विड गैस. आई थिंक हमें थोड़ा सा अंदाजा है सॉलिड लिक्विड और गैस का, हालांकि प्लाज्मा हम लोग नहीं जानते, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी बिल्कुल नई टर्म है हम लोगों के लिए, इसको हम नहीं जानते. तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में ज़्यादा स्टडी करना है. प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में सिर्फ थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, ज़्यादा डिस्कशन इनका नहीं होने वाला. तो ये हम लोगों का ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है. मॉडर्न का मतलब आजकल के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस तरीके से क्लासीफाई करा आपके मैटर को. लेकिन जो पुरानी बात करें, पहले एंशियंट टाइम्स पे, एंशियंट टाइम पे जब क्लासिफाई किया गया था, एंशियंट टाइम्स पे जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो थोड़ा सा डिफरेंट था. उस समय जितनी भी चीज़ें थी उनको जब मैटर को क्लासीफाई करा गया था, तो फाइव पार्ट्स में, कहाँ पर क्लासीफाई हुआ फाइव पार्ट्स में, लेकिन वो फाइव पार्ट्स डिफरेंट थे. तब मैटर को जब क्लासीफाई किया गया था एंशियंट टाइम्स पे, हालांकि अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम याद रख सकते हैं. जैसे हम लोगों ने क्लासिफाई किया था एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड फायर, इन पांच पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया था, और इनको कंबाइंड पंच तत्व भी कहा जाता है. तो अगेन ये क्लासिफिकेशन हम लोगों के लिए यूजफुल नहीं है फिलहाल. हम लोगों के लिए यूजफुल क्लासिफिकेशन आपका जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे क्लासिफाई करा, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉलिड लिक्विड एंड गैस. इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और मैटर की भी और डिटेल में हम लोगों को डिस्कशन करनी है, उसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में. थैंक यू.